सवाल नाचे जवाब गुम है। सही कहा था आपने, दुनिया वो नहीं है, दुनिया ये है। पता है मुझे, चुप का रोजा है आपका, सुनने का तो नहीं है ना। मेरी बात तो सुन ले, सही किया आपने जो इस दुनिया को छोड़ दिया। अजीब सी है ये दुनिया, हर इंसान किसी धोखे, किसी गलत फहमी, किसी तहखाने, किसी झूठ में जी रहा है। ठीक करते हैं आप जो इन लोगों से बात नहीं करते। मैं भी करना छोड़ दूंगी। मैं झूठ बोला था, सारी जिंदगी बोलता, अपने साथ, दूसरों के साथ, दुनिया के साथ। क्या पता यही एक तरीका था अपने दिल को मुतमईन करने का। जिंदगी तो हल्के खुदा में रहना, उसके साथ चलने का नाम है। यूं छुप के बैठना तो बुजदली, पैंट साल की उम्र तक मैं लड़ता रहा, लोगों से लड़ता रहा, चीजें बदलने की कोशिश करता रहा कि मैं चीजें बदलूंगा। कुछ नहीं बदल सका। इन बूढ़े कंधों में कुछ बदलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए एहतजाज कर रहा हूं। तुम जवान हो, कुछ बदलने की उम्र है तुम्हारी, यहां बैठने की नहीं। जाओ। मैं कहां कुछ बदलूंगी, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत है और क्या सही है। सही और गलत में फर्क देखना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जो करने से दिल का बोझ बढ़े वो गलत है, और जिससे दिल को इत्मीनान है वो सही। जाओ, दुनिया में जाओ, अपना सही तलाश करो। जाओ, ये तो नाकाम लोगों की जगह है, तुम्हें यहां नहीं बैठना चाहिए। बच्चों का काम नहीं, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, मैं बड़ी शर्मिंदा हूं। तुमने अपना नुकसान खुद किया है रश्तिना, तुम्हें कुछ अरसे तक इसका अंदाजा होगा। हिरा, हमने ये वीडियो वगैरह आगा जान तक पहुंचाने के लिए शुरू किया था।
आप आगा जान नहीं रहे, मुझे ये सब नहीं करना। ये वीडियोस तुम्हें रोजगार दे रही थी, वीडियोस नहीं बनाओगी तो खाओगी कहाँ से? मैं तो भिखारन बन के सड़क पर रही हूँ। इंसान जहाँ होता है अल्लाह रिस्क दे देता है। येलो टैलेंट वाले और स्पीड एनर्जी ड्रिंक वाले ना तुम्हारे खिलाफ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लोग तुम्हें अनप्रोफेशनल कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में 7 अरब लोग हैं। चेहरा अगर एक बोर्ड है तो हर बोर्ड पे वही आंखें, कान, नाक, होंठ हैं, लेकिन चेहरे सबके मुख्तलिफ हैं, फिंगरप्रिंट सबके मुख्तलिफ हैं। कायनात बनाने वाले ने हर इंसान को एक अलग शक्ल, अलग सोच, अलग विजन दिया। यही कायनात बनाने वाले का आर्ट है कि 7 अरब लोग हैं लेकिन कोई एक दूसरे से नहीं मिलता। ये सब कुछ जानते हुए हम लोग क्यों हम नहीं रहना चाहते? हर कोई क्यों अपनी जिंदगी छोड़ के किसी और की जिंदगी जीना चाहता है? मुझे लगता है कि कोई बहुत चालाकी से हमारी जिंदगियों को प्रोग्राम कर रहा है, स्क्रीन के आइडल्स बना के, सोशल मीडिया के ट्रेंड स्टार्ट करके। अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, जिससे हमारी सोच हमसे छिन रही है और हमें शायद इसका अंदाजा नहीं है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाले, 2 हफ्ते कि जिसमें आपने सोशल मीडिया ट्रेंड्स की गुलामी ना करनी, किसी बाल्टी में बर्फ डाल के अपने सर पे ना उड़े, या किसी डांस चैलेंज में 4 लोगों को नॉमिनेट ना करना, या 4 जगहों पे इसलिए ना जाना हो कि 8 अच्छी सेल्फीज आ जाएंगी, चेक इन कर लेंगे। ट्रेंड्स आपकी इनफरादियत आपसे छीन रहा है। खुदारा अपनी जिंदगी जी, किसी के सेट किए हुए ट्रेंड की नहीं। प्लीज बी यू। किधर गया? गिर गया यार। उस तरफ का रास्ता कहाँ है? इधर नहीं मिलेगा, इस पे फातिहा पढ़ ले। क्या कह रहे हैं यार, सिपाही है मेरा। चल 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 यार भाई। ये अपना गांव है इसके पीछे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो उधर पीछे। अच्छा हाँ, इसके पीछे क्या है? इधर एक और गांव है। चोरी तो नहीं कर लेगा? नहीं नहीं, क्या हो गया, हमारे लोग बहुत अच्छे। ठंड है यार अभी भी, सही से बर्फ नहीं पड़ी लेकिन ठंड है। वही ना, अल्लाह की कुदरत है, कभी बर्फ पड़ती है कभी नहीं पड़ती है। देख रहा था कि बच्चे स्कूल जा रहे थे। हाँ, विंटर वेकेशंस कितनी होती हैं यहाँ पे? सर्दियों की छुट्टियाँ? सर्दियों की छुट्टियाँ इधर होती हैं 2 महीने की। कम से कम 4 महीने की तो दो यार, सर्दी देखो, ठंड होगी, पढ़ेंगे कैसे बच्चे? इधर 90% लोग जाते हैं स्कूल में जाते हैं। 90%? हाँ। वाह वाह वाह, सर्वाइव कैसे करते हैं यहाँ पे लोग? रोड्स भी बंद हैं, लैंडस्लाइडिंग भी चल रही है। इधर ये जो आप सारे दरख्त देख रहे हैं, हाँ, ये सब लोगों के हैं अपने। अच्छा। काटते हैं इनमें फिर आग लगाते हैं। तो खाने पीने का क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। वो भी हमारा अपना होता है, मतलब अपने बकरे होते हैं। अच्छा। वो फिर हम लोग उनको ज़बह करते हैं जब खाने का टाइम आता है। ओके। हाँ बिल्कुल। ना दूर जाना तो नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, पर आप इस तरफ जाओ मुनीप, आप उस तरफ जाओ, ये कंट्रोल मुझे दे दो। ठीक है, और किसी को भी मिलता है तो वहां से सीटी मार देंगे। ओके सही है, चलो ऑल द बेस्ट।
लो भाई, मिल गया जवान। क्या बात है, इतनी हो गया यार। ये तो टूट गया। ये पकड़। हाँ थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन इसको हम फिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक ये उठाएं जरा, हैं पकड़ के रख। और ये आ गई यहाँ पे, ठीक हो गया। एक प्रोपेलर घूम गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा, बट खैर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, चलो हम घर जाके लगा लेंगे। देखा जी, जी भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ठीक है, चलो चाय पिलाओ। आज यार गोश्त कितना अच्छा दिया चाचा ने। शायान भाई, आप क्यों जा रहे हैं, कुछ दिन हमारे साथ रुक जाना। यार 8 दिन से यहाँ पे फिल्मिंग कर रहा हूँ, यहाँ के स्कूल, सीनरी, पहाड़ सब कुछ तो शूट कर लिया मैंने, और रुक के क्या करूंगा मैं। शायान भाई 8 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है मैं आपको हमेशा से जानता हूँ। यार मुझे भी ऐसा ही लगता है, पता है बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। गाँव के लोग जो है ना आपको बहुत पसंद करते हैं, वरना इधर किसी को एक दिन नहीं रुकने देते। अरे गाँव के लोग हैं ही बहुत प्यारे, ये भी दे दे। एक बात बताओ, तुम लोगों ने बड़े होके क्या करना है। बड़े होके मैं 18 साल का हूँ, ये 20 साल का है, इससे और कितना बड़ा होना। नहीं काम शाम क्या करना है, वो सोचा है कुछ। मैं तो अपने अब्बा की दुकान पे बैठता हूँ। वेरी गुड, बाकी की जिंदगी भी इधर ही गुजार। अच्छा, मैं तो चला जाऊंगा बाहर कराची। कराची? कराची क्यों? कराची में टीवी ड्रामे बनते हैं, मैं टीवी ड्रामों में आऊंगा। टीवी ड्रामों में काम करके क्या होगा, जिंदगी बन जाएगी। टीवी पे आऊंगा, पैसे मिलेंगे, हीरो बन जाऊंगा, प्यारी प्यारी लड़की से बातें करूंगा। सही है, सही है। सुरैया मुझे तुमसे बहुत प्यार। चल हट। वैसे किसी के हाथ पे हंसना नहीं चाहिए। अरे हंस थोड़ी रहा हूँ पागल, खुश हो रहा हूँ। शायान भाई आपकी शादी हो गई है? हाँ 3 बच्चे हैं मेरे। मैंने कल यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी, आप तो कह रहे थे अभी मेरी शादी नहीं हुई। नहीं हुई, मजाक कर रहा। तो बच्चे कैसे हैं फिर? भाई के बच्चे। आप शुरू से ही ऐसे घूमते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं? नहीं यार, ये तो 2 साल पहले किस्मत खुली है, उससे पहले तो मैं कराची होता था। कराची में? हाँ। कराची में क्या करते थे? कराची में टीवी ड्रामे बनाता था। ना करें। मैंने बहुत कोशिश की, मेरा अल्लाह जानता है मैंने खुद को अपने मन को मुकम्मल तौर पर मार्क दिया है। मेरी जात मेरी ख्वाहिशों का एक कब्रिस्तान बन के रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह कहीं बेयबान में भटक रही है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम तो कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती, ख्वाह मेरी फैमिली ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे सामने चट्टान बन के खड़ा रहूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है, साथ पियेंगे। वॉइस ओवर एक्सप्रेशंस दें आप। अब देखना सुमेरा खातून, तुम कहती थी ना तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, देखना अब वो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को धक्के मार कर घर से बाहर निकालेगा। ऐसा बदला लूंगी कि नागिन भी शर्मा जाएगी। काट, चेंज करेंगे डायलॉग्स, क्या बकवास है यार। शान भाई डायलॉग चेंज किया तो राइटर बुरा मान जाएंगे। चट्टाने बन के खड़ा हूँ, नागिन भी याद रखेगी, कौन बोलता है ऐसे यार। और कब तक हम ये चाय बना लें, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, कब निकलना है इसे? शान भाई फैज भाई ने भी बड़ी सख्ती से मना किया है कि कोई सीन नहीं चेंज करना। शान भाई क्या करें, घर का चूल्हा भी तो चलाना है ना। तू चला ले घर का चूल्हा, मुझसे नहीं होगा। शान भाई इस तरह तो ना करें, अब करते हैं मुकम्मल, करना तो है अब कुछ ना कुछ। अभी मैं सारी पेमेंट कैसे कर दूं? जब 10 दिन का काम रह जाएगा तो तब मुझे बता देना, ठीक है? ओके। कैसे स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो यार? अच्छा है ना, पढ़ा है? मेहनत करते हैं भाई, तभी तो तुम जैसे लोग जो हैं वो डायरेक्टर बन के हिट हो जाते हैं। इंतहाई बकवास स्क्रिप्ट है ये, जुल्म है देखने वाले पर। होता है, 2-3 ड्रामे हिट हो जाए तो नखरा आ जाता है बंदे में। चैनल चलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बच्चे देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं। मुझे तो लगता है कि लड़ाइयों और साजिशों वाले ड्रामे सिरे से होने ही नहीं चाहिए, कम अज कम ऐसी चीज दिखाएं जो माशरे में एक बेहतरी तो लेके आ सके यार। ये क्या कंटेंट के नाम पे हम ये क्या मीडियोक्रेसी दे रहे हैं यार लोगों को? हम उनको कुछ कोई ऐसा ड्रामा क्यों नहीं दे रहे जिसमें कुछ सबक हो कि देख के कुछ सीख लें? क्या सबक भाई, हमने कोई स्कूल खोल रखा है जो हम सबक सिखाएं? इसी किस्म का स्क्रिप्ट जो है वही बिकता है और इसी पे काम करना है तुमने भी। हाँ तो व्यूअर को अच्छा ड्रामा जब तक नहीं दिखाओगे तो अच्छे बुरे ड्रामे में पहचान कैसे करेगा वो?
और दिखाओ तो सही उसे अच्छा कंटेंट, उसके बाद फैसला करो। देख भाई, चैनल के पास तजर्बे के पैसे नहीं है, हम कारोबार करने के लिए बैठे हुए, तुझे भी मौका मिल गया, तू भी कमा, हमें भी कमाने दे। ड्रामे की व्यूअर्स जो है वो औरत है, और 70% औरत जो है वो चार दीवारी में बंद है, उसने चार दीवारी के अंदर ही रहना है। एक लड़की जब ब्याह के घर आती है तो वो अपनी सास को दुश्मन समझने लगती है, और सास जो है वो बहू को दुश्मन समझने लगती है, और अपने बच्चे को मजलूम समझती है। तो कहानी जो है ना वो इसी चार दीवारी के अंदर ही घूमनी है। हर बंदा जो है वो इसी में अपने आप को तलाश करता है और यही बिकता है, लिहाजा तू भी इसी पे काम कर। इसकी शूट खत्म हो रही है परसों, उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा तुम लोगों के साथ। क्या मतलब काम नहीं करूंगा? स्क्रिप्ट वापस भेज रहा हूँ जो भेजा था। देख ले, मेरे पास तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तेरे पीछे जितने लोग लगे हैं ना, वो तुझे मुबारक हो। और अगर धंधा ही करना है ना तो तेल की एजेंसी ले ले, आटे चावल दाल बेचो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, जिम्मेदारी का काम है। देख शायान, जिंदगी बार बार चांस नहीं देती, इसको जाया मत कर, इसी पे काम कर, तू भी पैसे कमा और हमें भी चार पैसे कमाने दे। ऑल द बेस्ट, एक दफा फिर सोच ले। सोच ले। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने को, पता है। वैसे लाहौर कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? ये कोई 5-6 दिन होंगे। फिर लाहौर के बाद किधर जाना है? शायद इस्लामाबाद। अच्छा, तो बताए ना हमारे पास वापस कब आएंगे? यार वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा, जरूर आऊंगा। बहुत पसंद आया आपको? हाँ यार, गांव मुझे वैसे ही पसंद है, है ना? भाई मुनीब, ये पहन के दिखा। आ जाए। क्या बात है, अच्छा ही लग रहा। बहुत बहुत अच्छा। और ये गाने ना इस पे सुना कर, ज्यादा मजा आएगा। देखिए ना, ये कुछ ना करें, ये आप रखें ना। मोहब्बत है शान भाई की, मोहब्बत है शान भाई के साथ, मोहब्बत तो बहुत है। इतना ख्याल किया तुम लोगों ने मेरा, मैं थोड़ा सा कर लूँ तो क्या हो गया? एक भाई भी बोलते हो, फिर ऊपर से तोहफा दिया हुआ वापस कर रहे हो। सलामकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, रखें जी। मुनीर चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात, मुनीर चाचा आ गए। हाँ हाँ बैठो, आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर चाचा, क्या हाल है आपके? जा रहा था, मैंने कहा आपसे मिल लूं। बहुत ख्याल रखा हमेशा की तरह आपने मेरा, बस एक छोटा सा काम था इसीलिए आपको बुलाया। जी फरमाइए। ये क्या है? ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। बेटा आप हमारे मेहमान हैं, ये मेहमान नवाजी की कीमत हम लोग नहीं रहेंगे। मैं मेहमान नवाजी की कीमत नहीं लगा रहा, देखें मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, इनको यूट्यूब पे डालूंगा, पैसे कमाऊंगा, और ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ वो उस पैसे के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, डिस्पेंसरी की दवाएं खरीद लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता करे। खुश रहो, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह। चले चल। ओके, इंसान अगर कोई चीज डिजाइन करता है या खरीदता है तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वो तो फिर अल्लाह, वो कोई ऐसी चीज क्यों तख्लीक करेगा जिसका कोई मकसद नहीं है? हर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से एक अता है, उस अता को आइडेंटिफाई करना और अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करना। अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो हमें कमजोरों का सहारा बनना है, अगर शोहरत दी है तो उनकी आवाज बनना है जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती, और अगर दौलत दी है तो गरीबों का सहारा बनना। अल्लाह की अता की हुई हर इनायत एक आजमाइश है। हम क्या क्या वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल बेवजह। हमें भी ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जिनका कोई मकसद हो। मेरा 8 मरले का घर था और मुझ बेवा का आखिरी सहारा था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ बदमाशों ने मेरे घर में कब्जा कर लिया।
और कहते हैं कि पुलिस भी उनके साथ है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? कोई अल्लाह का बंदा हम पे रहम कर दे, हम बेसहारों का कोई सहारा नहीं है। क्या हुआ? अभी तक गई नहीं ऐसे। अपने बच्चों को उठा, निकल निकल, वरना तुझे ऐसा वैक करूंगा ना कि तेरा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। नहीं कर सकोगे, गायब नहीं करवा सकोगे। ये कौन है? मैं कौन हूँ तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये धमकियां देनी बंद करो, जाओ यहां से। देख मेरी बात सुन, मुझे अपना यहाँ काम करने दे, टाइम जाया ना कर, जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम लोग जाओगे, जाओ यहाँ से। ए! भी थोड़ी देर में ना यहाँ एक ठोक की आवाज आएगी और तू एक कोश के टुकड़े की तरह यहाँ से निकल पड़ी होगी। बेहतर है कि तू निकल जा। वो तो गई, चल उठ निकल। ये जो घर है ना तेरा, ये तो गया। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। ये गुलशन है, इनके दो बच्चे हैं, ये पीछे इनका घर है और ये इनसे इनका घर छीनने की कोशिश करें, गुलशन कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी वो? और वो अपना घर छोड़कर कहीं क्यों जाए? अगर आज हमने गुलशन की मदद ना की तो अल्लाह कभी हमें माफ नहीं करेगा। आप लोग सब अपनी आवाज उठाएं और गुलशन को उसका हक दिलवाएं। तुम क्या खड़े देख रहे हो, वीडियो बना रही है वहां पे? गुलशन बेचारी हमारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकेगी। हम सबको गुलशन के घर के लिए आवाज उठानी है, वरना अल्लाह फोन मुझे दे, मुझे दे फोन। नहीं, जो मना किया ना मैंने, मना किया ना, फोन मुझे छोड़। भाई मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ, इस लड़की की जान को खतरा है, आप प्लीज इसकी मदद करें। भेजो भेजो भेजो, भेजो। गाड़ी घुमाओ, जल्दी करो। आप कैसे लगाए थे? आप कैसे लगाए? तो असल फसाद की जान तुम हो, ले चलो से थाने। अब दे लगाना। चलो भैया थाने बताऊंगा मैं तुम्हें, चलो। इसके बाकी के साथी किधर हैं? इसके साथी तो भाग गए जी, भाग गए वो। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, जिसने कब्जा किया था वो भाग गया, इसने कब्जा नहीं किया। आप इसे नहीं जानती, मैं जानता हूँ। ये किस साजिश के तहत आपसे मिला है? शहर में कब्जे में सबसे पहला नाम इसका आता है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप सब आ गए, वरना मेरा तो एतबार ही पुलिस से उठ गया था। पुलिस पे एतबार बाहर रखें, पुलिस और कानून आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। मैंने कोई नेकी नहीं की, अपनी ड्यूटी की है। आपके टैक्स से पैसों से मेरा घर चलता है, और घर क्या होता है ये मैं जानता हूँ। आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। आपको अगर कोई तंग करे, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वीडियो देख के हम यहाँ आए, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रही
कि रुस्तम ने ऐसा क्यों किया। मुझे भी ये समझ नहीं आ रही। वीडियो ने अजाब खड़ा कर दिया है। कम से कम वीडियो तो डिलीट कर देते। बाबा मैंने उस लड़की से मोबाइल छीन लिया था और वीडियो डिलीट ही करने लगा था कि रुस्तम आ गया। हम रुस्तम के साथ लग गए और लड़कियों का होश ही नहीं रहा। ये लड़की कौन है? इस लड़की का पता करो और ये भी पता करो कि रुस्तम ने ऐसा क्यों किया। इस लड़की को उठा के ले आए। दिमाग काम करता है तुम्हारा? इंटरनेट पर उसकी वीडियो वायरल हो गई है, उसे उठा लाएंगे। जितना कहा है उतना कर। जी बाबा। ये रुस्तम क्या क्या करे? जब तक उस लड़की के बारे में पता नहीं चलता उसे वहीं सड़ने दो। जाओ दफा हो जाओ यहां। रुस्तम कब्जा ग्रुप वालों के साथ है। सोचकर भी अजीब सा लगता है। लोग कहते थे कि रुस्तम दो नंबर धंधे करता है, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन ही नहीं किया। लोग तो हर किसी के बारे में कोई ना कोई बातें करते हैं। आज तुमसे सुन रही हूँ तो कुछ कुछ यकीन आ रहा है। आप सोचो, वो कब्जा ग्रुप वाले रुस्तम को कह रहे थे ये लड़की हमारे खिलाफ है। हमारे मतलब रुस्तम उनके साथ हुआ ना। रुस्तम उस कब्जा ग्रुप में शरीक था। अफान ने तुम पे हाथ उठाया, रुस्तम से बर्दाश्त नहीं हुआ। होता भी कैसे, मुझे ना डे वन से पता था कि रुस्तम को तुमसे इश्क हो गया है। रुस्तम ने तुम्हारी परेशानी वाली शक्ल देखी और बस उसका इश्क जाग गया। इश्क तो होता ही बागी है। तुम्हारे चक्कर में ना उसने अपने ग्रुप से बगावत कर ली है। मजाक का वक्त है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। जाकर उसे खुद पूछ लो, ऐसा ही हुआ है। मैं क्यों पूछूं? वो लोगों के घरों पे कब्जे करता है। मैं कभी ना बात करूं ऐसे इंसान से। हाँ, कितनी सेल्फिश हो तुम। भूल गई इतनी मदद की है उसने तुम्हारी। याद है, लेकिन हीरा वो लोगों से उनके घर छीनता है। इतना जुल्म कैसे? सोचो आज गुलशन को उसका घर वापस ना मिलता तो वो मर जाती। हमें ना ऐसे इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। अच्छा ना रखो ताल्लुक। गुलशन कैसी है? जिसके लिए फुल टार्जन बनी हुई थी उसको बचाने के लिए। गुलशन तो ठीक है, बहुत खुश हो रही थी। पता है उसने कल अपने घर पे दावत भी रखी है। सोचो इतना छोटा सा घर, इतना बड़ा दिल। आप ही चलना मेरे साथ। हाँ चलेंगे, मैं तो कह रही हूँ अच्छा सा गिफ्ट भी लेके जाएंगे। हाँ, हाँ। शुक्रिया। मेरे शोर के इंतकाल के बाद बस ये घर ही है जो ऊपर वाला पोर्शन एक रेंट पर दिया था और गुजर बसर हो रहा था। किराएदारों ने कब्जा कर लिया और वो आमदनी का जरिया भी गया। आपको इश्तहार दे किराएदार मिल जाएगा। इस हादसे के बाद तो मैं बिल्कुल किराए पर घर नहीं दूंगी। शरीफ बनकर आते हैं और कब्जा कर लेते हैं। अब कोई कब्जा नहीं करेगा, हम हैं ना आपके साथ। आप परेशान ना हो और अपनी आमदनी ना रोकें। आप ना होती तो ये घर मुझे कभी वापस ना मिलता। मैंने हर किसी से मदद मांगी, अपने रिश्तेदारों से भी मदद की गुजारिश की, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। आप बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं बहादुर नहीं, बस अल्लाह की इनायत है मुझ पर। ये सोशल मीडिया पर 4-5 लाख लोग मुझे जानने लगे। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझे क्यों जानने लगे हैं। मैंने कहीं सुना है कि जब अल्लाह आप पर इनायत करता है तो फिर आपको आजमाइश में भी डालता है, और आजमाइश यही है कि आप अल्लाह की हुई इनायत का इस्तेमाल सही तरीके से करें।
बस मैंने नियत कर ली कि अल्लाह की इनायत को अच्छे से इस्तेमाल करना है, और आप मिल गई, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। अल्लाह ताला आपका ये जहान भी अच्छा करे और वो जहान भी अच्छा करे। आप ना होती तो हम सब का क्या होता। अस्सलाम वालेकुम शियान भाई, कैसे हैं? क्या हाल है अली? मैं ठीक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मोटा हो गया। बस शियान भाई, जैसा देश वैसा भेस। जब कराची में थे तो सूखे थे, पिंडी आ गए तो मोटे हो गए। पिंडी का पानी ही ऐसे इंसान मोटा हो जाता है। मोटे ना आप अपनी सुस्ती की वजह से हुए हैं और इल्जाम पानी को दे रहे हैं। श्यान भाई, आपको तो मैं हमेशा सुस्ती नजर आया हूँ। भाई अब जैसा है वैसा ही नजर आएगा। वैसे श्यान भाई एक बात है, आप बिल्कुल नहीं बदले, मिलते साथ ही मेरी क्लास लेना शुरू कर दी आपने। जिस दिन तू शागिर्दी में आया था ना, उस दिन से तेरी क्लास लेना मेरा फर्ज हो गया। जी उस्ताद जी, क्लास ले लीजिएगा, पहले चल के कुछ खा भी लेते। आओ आओ चलो। और सुना जिंदगी कैसे सवाल देती है और फिर कैसे उनके जवाब देती है। कैसे जवाब देती है? आपको याद है मैं सवालों में कितनी उलझी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, सही गलत की पहचान खत्म हो गई थी, इंटरनेट की मदद से जिंदगी समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मलंग ने समझाया कि जो चीज इंसान के जमीर पर बोझ हो वो गलत है, और जो चीज आपके दिल को सुकून दे वो सही। फॉलोअर्स थे मगर ये समझ नहीं आती थी कि इनका क्या करूं। फिर शायान की वीडियोस देखी तो समझ में आया। जिस दिन से गुलशन को उसका घर वापस मिला है, समझो मुझे मेरे दिल का सुकून वापस मिल गया। जिंदगी में जैसे मकसद मिल गया हो। और मकसद क्या था? ख्वाब और महरूमी का फर्क। हम जिसे ख्वाब समझते हैं वो हमारी महरूमियां हैं। ये क्या फजूल बात है, महरूमी अलग है और ख्वाब अलग। शायान कहता है कि अगर कोई इंसान 20 साल किसी एक कमरे के घर में रहा हो और उसका ख्वाब है कि उसे महल मिल जाए तो ये महरूमी है। अगर कोई इंसान पैदल चलता हो और वो ख्वाब देखे कि उसके पास गाड़ी हो तो ये ख्वाब नहीं, महरूमी है। यही तो ख्वाब है, इन्हीं को तो ख्वाब कहते हैं। शायान कहता है कि ख्वाब वो होते हैं जो हम दूसरों के लिए देखते हैं, जो हम अपने लिए देखते हैं वो ख्वाब ख्वाब नहीं होते, महरूमियों के मरहम है। ओए ओए मैडम, आप तो बड़ी गहरी गहरी बातें कर रही हैं। आपको पता नहीं गहरी गहरी बातें करके ही व्यूज आते हैं सोशल मीडिया पे। तुम नहीं समझोगी, मैं एक वीडियो पे काम कर रही हूँ, जब वो देखोगी तो सब समझ जाओगी। कैसी वीडियो? जिस हिसाब से दुनिया में पीने का साफ पानी कम हो रहा है और जिस हिसाब से हम उसे जाया कर रहे हैं, आने वाले वक्त का सबसे बड़ा मसला होगा। मेरे जहन में एक कहानी है,
उस पे वो बनेगी शॉर्ट फिल्म। जब बनेगी ना तब देखेंगे। सैंडविचेस कब बनेंगे, कब देखेंगे? जब आप मुझे ये देंगी। अच्छे खासे एड्स मिल रहे थे बस मैडम के नखरे। इसके ऊपर रखना था सवाल नाचे जवाब गुम है। कहानी दर कहानी है, हकीकत कहानी है, सच भी एक फसाना है, जीने का बहाना है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।